एक तरफ जब सूखे की स्थिति होती है तो नदियों का पानी किसानों के लिए और प्रत्येक जीवों के लिए किसी अमृत से कम नहीं होता है। हमारे देश में पूरे छत्तीसगढ़ में छोटी बड़ी नदियों का जाल बिछा हुआ है जो विपरीत समय में हमें जीवन प्रदान करती है। चाहे गंगा नदी हो या फिर महानदी, चाहे शिवनाथ नदी हो या फिर सरस्वती, बहुत सी नदियाँ हैं जिन्हें हम सब माता मानते हैं। लेकिन नदियों में जब बाढ़ आता है तो न जाने कितनी जाने जाती है, कितने घर बेघर हो जाते हैं। उस समय अपना घर, अपनी सारी संपत्ति छोड़कर भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के उन नदियों के बारे में जो आज की स्थिति में बाढ़ से हाहाकार मचा रही है। पूरा छत्तीसगढ़ इनके कहर से डूब रहा है। चंद्रपुर और शिवरी नारायण तो बाढ़ से पूरी तरीके से डूब ही गया है। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। और अगर हाँ, आपके इलाके में भी बाढ़ की स्थिति है और बाढ़ की वजह से आप अपना घर बार छोड़ चुके हैं तो कमेंट में यस लिखें, और अगर सेफ हैं तो नो लिखें और बाढ़ वाले जगह का नाम जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, महानदी। छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा अंचल की सबसे बड़ी नदी महानदी है। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। सिहावा से निकलकर राजी मैया जब पैरी और सोडू नदियों को जल को ग्रहण करती है तब तक विशाल रूप धारण कर चुकी होती है। ऐतिहासिक नगरी आरंग और उसके बाद सीरपुर में वह विकसित होकर शिवरी नारायण में अपने नाम के अनुरूप महानदी बन जाती है, और आप इसका परिणाम देख सकते हैं। बाढ़ से शिवरी नारायण पूरा डूब गया है। महानदी की धारा इस धार्मिक स्थल से मुड़ जाती है और दक्षिण से उत्तर के बजाय यह पूर्व दिशा में बहने लगती है। नंबर टू, शिवनाथ नदी। यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला के गोडरी गांव से निकलकर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला के अंबागढ़ में प्रवेश करते हुए शिवरी नारायण जिला जांजगीर चांपा के पास महानदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां लीलागर नदी, मनियारी नदी, आगर नदी, हाफ, खारून, अर्पा नदी, आमनेर नदी, सकरी, खरखरा, तांदुला तथा जमुनिया नदी है। इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। प्रसिद्ध मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में शिवनाथ नदी पर संचालित है। शिवनाथ नदी का पानी भी उफान पर है, जिसकी वजह से बहुत सी जगहों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। नंबर थ्री, हसदेव नदी। हसदेव नदी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह महानदी की प्रमुख सहायक नदी है तथा कोरबा के कोयला क्षेत्र में तथा चांपा मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। यह नदी कोरिया जिले की कैमूर पहाड़ियों से निकलकर कोरबा बिलासपुर जिलों में बहती हुई महानदी में मिल जाती है। हसदेव का अधिकांश प्रवाह क्षेत्र उबड़ खाबड़ है। इसकी कुल लंबाई 333 किलोमीटर है और प्रवाह क्षेत्र 7210 वर्ग किलोमीटर है। प्रसिद्ध सर्वमंगला मंदिर कोरबा शहर में हसदेव नदी के तट पर ही स्थित है। कोरिया जिले में हसदेव नदी पर अमृत धारा जलप्रपात स्थित है। नंबर फोर, इंद्रावती नदी। मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी इंद्रावती नदी है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थान उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर थुयामूल में है। नदी की कुल लंबाई 390 किलोमीटर है। यह नदी प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर दंतेवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है। दंतेवाड़ा जिले के भद्रकाली में इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम होता है। अपनी पथरीली तल के कारण इसमें नौकायन संभव नहीं है। इसकी कई सहायक नदियां हैं जिनमें पामेर और चिंटा नदियां प्रमुख है। इंद्रावती नदी बस्तर के लोगों के लिए आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यह बस्तर की जीवनदायिनी नदी कही जाती है। इस नदी के मुहाने पर बसा है छत्तीसगढ़ का शहर जगदलपुर। यह एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं हस्तशिल्प केंद्र है। यहीं पर मानव विज्ञान संग्रहालय भी स्थित है, जहां बस्तर के आदिवासियों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं मनोरंजन से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नंबर फाइव, अर्पा नदी। अर्पा नदी का उद्गम पेंड्रा लोरमी पठार की पहाड़ी से हुआ है। यह महानदी की सहायक नदी है। यह बिलासपुर जिला में प्रवाहित होती है और बरतोरी के निकट ठाकुर देवा नामक स्थान में शिवनाथ नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 147 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में वामांगी नदी खारंग इसकी मुख्य सहायक नदी है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका गांव या शहर किस नदी के किनारे बसा है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।